अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य भी अब विवादों में घिर चुकी हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ही दिवाली को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया था। स्वामी ने कहा था कि चार भुजाओं वाली लक्ष्मी आखिर कैसे पैदा हो गई। इसके बाद से ही अब उन पर इस बयान के बाद से ही अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर धोखाधड़ी और बिना तलाक के दूसरी शादी करने के आरोप में संघमित्रा को 6 जनवरी 2024 को कोर्ट में तलब किया है। अदालत ने यह समन खुद को संघमित्रा मौर्य का पति होने का दावा करने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार के नाम से व्यक्ति की मिली शिकायत पर जारी किया है। कोर्ट ने संघमित्रा मौर्य के अलावा उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य, माँ शिवा मौर्य, भाई उत्कृष्ट मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला उर्फ इंटू शुक्ला और ऋतिक सिंह को मारपीट जान से मारने की धमकी देने, आपराधिक साजिश की धाराओं का आरोपी बनाते हुए पेश करने के लिए समन जारी किया है। बता दें कि एक शख्स ने खुद को संघमित्र मौर्य का पति बताते हुए लखनऊ फैमिली कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। दीपक स्वर्णकार ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि वह और संघमित्रा वर्ष 2016 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनसे बताया कि संघमित्रा का पहले पति से तलाक हो चुका है। उसने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उनके घर में शादी की थी। देखिए 2021 में हमने एक अर्जी दाखिल की थी माननीय न्यायालय कोर्ट लखनऊ, जिसे संज्ञान में लेते हुए माननीय न्यायालय ने परिवाद के रूप में इसे दर्ज किया और कल माननीय न्यायालय ने इस पर अपना आदेश जारी किया है। क्या कुछ आरोप हैं आपके और जो आपसे झूठ बोला गया है, क्या कुछ मामला है थोड़ा बता दीजिए। मेरे साथ काफ़ी बार जो है लड़ाई झगड़े की नौबत आई है और कई बार हम पर जानलेवा हमला भी किया गया है और साक्ष्यों को छुपाने के लिए ये सब सारा काम किया गया है। चूँकि वैवाहिक संबंधों का मामला था, ये उजागर न हो इसलिए उन्होंने ऐसा। वादी ने अपना और अपने गवाह का बयान दर्ज कराया है, जिसके बाद से कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी पत्नी शिवा मौर्य, उत्कृष्ट मौर्य समेत अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर बतौर आरोपी उन्हें तलब किया है। लिहाजा आप देखना होगा संघमित्रा मौर्य पर धोखाधड़ी करने वाला ये मामला आखिर उन्हें कहां तक ले जाता है। क्या वास्तव में युवक का दावा संघमित्रा मौर्य की पत्नी होने का जो आरोप लगाया है वो क्या सही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।